ये हमारा सेकेंड ब्लॉग है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पीछे रेलवे कॉलोनी का भूत बंगला है, जिसको भूत बंगला के भी नाम से जाना जाता है। तो चलिए बिना देरी के बिना इसे शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भूत बंगला के अंदर हम लोग जाने वाले हैं। यहाँ पर फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर बहुत ही हॉन्टेड घटना बोला गया है। रात को यहाँ जो बच्चा शाम को खेलने आते थे, वो लोगों को कुछ अनईजी फील हुआ है। यहाँ पर एक तो पंडित जी भी हैं जो पूजा वूजा कभी कभी करने आते हैं। हम लोग चलते हैं। हमने इस भूत बंगले के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं, हम जानते नहीं वो सही है गलत। तो आज हम लोग जाके देखते हैं, डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इस बंगले की जांच पड़ताल करते हैं। और ये लोग यहाँ दो जन अंदर घुस चुके हैं। अब देखिए यहाँ की सारी सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं। हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है कि हम ऊपर जा सके। देखिए ये सीढ़ियाँ सारी टूटी हुई हैं और ऊपर की भी सीढ़ियाँ सारी टूटी हुई है। ये देखिए टू अपसाइड, ओके, यहाँ से कोई रास्ता नहीं है जो हमें ऊपर पहुँचा सके। फिर भी आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम ऊपर जा सकते हैं। पकड़िए, यहाँ मैं बाहुबली ये लोगों का सपोर्ट करेंगे। ये लोगों को कैमरा पकड़िए, बैग पकड़ो, बैग पकड़ो, काट लो उसे, बैग, अबे मेरा बैग टूट जाएगा। चाप जैसे कि देख सकते हैं आप, हम लोग इसके ऊपर में आ गए और इस पार्क के पूरा सीट टूटा हुआ है। ऊपर जाना कुछ इम्पॉसिबल ही है, तो हम लोग ट्राई करते हैं ऊपर जाने का। तो उसके लिए हम लोग को हेल्प चाहिए, जो पार्थ मेरा हेल्प करेगा। गाइस, कोई रास्ता नहीं है, कैसे कैसे शरीर ऊपर चढ़ गए हैं और उनकी भी मदद हम लोग सब ने की है चढ़ाने में उनको ऊपर। अब हम ऊपर जा सकते हैं या नहीं जा सकते वो भी हमें नहीं पता। शरीर लेके बहुत डेडी पड़े हैं, वो चढ़ रहे हैं ऊपर। तो चलिए और पार्ट्स को डिस्कवर करते हैं। गाइस, हम लोग का यहाँ प्लान में हम लोग का प्लान में यहाँ एक चेंज आया है। हम लोग यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ रहे हैं, यहाँ ठीक है, चलिए अब चढ़ते हैं। चढ़िए भाई, नहीं चढ़ पाएगा। हम लोग यहाँ से नीचे गिरेगा तो खत्म हो जाएगा, मत चढ़ो। हम लोग यहाँ से ऊपर नहीं, यहाँ से हम लोग ऊपर नहीं जा पाएंगे, इसलिए हम लोग दूसरी जगह से ट्राई करेंगे। ये देखिए ये जगह बंदर है, ये देखिए गाइस, देख लीजिए हम ऊपर आ चुके हैं और नीचे जाने में भी हमें बहुत दिक्कत होगी। और यहाँ से ये देखिए कितना गड्ढा है, बहुत ही बड़ा है, कम से कम 3 से 5 फुट का। सॉरी गाइस, हम ऊपर का पार्ट आपको एक्सप्लोर नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं है जहाँ से हम जा सके। ठीक है चलिए, अब हमें कूदना होगा यहाँ से। कोई भाई सपोर्ट दे दो भाई, देखो ऐसी I will live forever, made the moments that will last forever. अरे अभी तेरे से उतर ना भी। यार मेरे को देखा तेरा है। तेरा इधर। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस प्रताप को बहुत दिक्कत हो रही है उतरने में। और राजवीर सर, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? देखिए पहले तो गाइस, आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके का एकदम पार्ट सुनसान है। आप देख सकते हैं बहुत पुरानी दीवारें हैं ये। चलिए अब पहले यहाँ आए थे, पहले हम लोग यहाँ आए थे, हम लोग नहीं ऊपर जा पाए थे। एक स्कूल था एक टाइम में, पर यहाँ कुछ ऐसा दुर्घटना हुआ था जो हम लोग बोलने में इंटरेस्टेड नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक क्लासरूम दिखाया था जहाँ पे हमें एक बोर्ड भी दिखाई पड़ा। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी राजवीर भाई कम है, अंदर आइए। यहाँ देखिए ये हम फिर इस रूम में आए जहाँ पे ये बोर्ड हमारे सामने है।
और ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ क्लासरूम गाइस